अक्सर ऐसा होता है ना कि हम रेस्टोरेंट में बैठे रहते हैं चाहे जितने भी लोग हों द वेटर विल कम एंड पुट द बिल इन फ्रंट ऑफ अ मैन ऐसा एक बार हुआ भी था इट वॉज माई ट्रीट आई वॉज आउट विद अ मेल फ्रेंड और बिल जाके उसके सामने रख दिया मुझे पैसे देने थे बट आई वॉज अन एक्सपेक्टेड टू उसको पैसे नहीं देने थे बट ही वॉज एक्सपेक्टेड टू अब एक मामूली बिल के चक्कर में वी हैड टू सिट एंड कम्पलीटली रीनेगोशिएट विद आर जेंडर आइडेंटिटीज़ तो जब फोर वुमेन डिसाइड टू काइंड ऑफ गो ऑन अ बाइक ट्रिप एंड अ वेरी पैरलेस बाइक ट्रिप एट दैट वॉट इज गोइंग टू हैपन

at the essence, the film is mostly about these women themselves, their backstories, their motivations, and how this trip changes them, to matlab charo ka coming of age story type ka track hai. Uzma is trying to escape a practically abusive marriage and also trying to kind of make things better for herself and her daughter. Usi ke chalte we see how the relationship of a mother and child kind of develops, something that is also mirrored in Manjari's story with her mother in a different sense. मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि वी हैवेंड थ्रू आउट द फिल्म जिस बीन लाइक ओ दिस इज हाउ अ मदर एंड चाइल्ड रिलेशनशिप इज सपोज लुक एंड देर कैन गो नथिंग रॉन्ग कोई फ्लॉज नहीं हो सकते शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल देर इज नो स्पेस फॉर लाइक क्रिटिसिजम और एनी थिंग आई लाइक द द फिल्म डजेंट टेक दैट रूट आई ऑल्सो लाइक द फैक्ट दैट धक धक डजेंट एट एनी पॉइंट प्रेजेंट द नीड फॉर अ परफेक्ट विक्टिम विच हैपन्स अ लॉट इन लाइक Talks on social media, we see that we have to just view conversations around gender as that, as ones that have to be very nuanced. And that is a problem. That it doesn't have anything new or novel that it is telling. कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छे स्टार्ट हुए हैं दै एज अ वेरी इंटिव वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग कॉन्सेंट इंट इंट्रोड्यूसिंग जस्ट हाउ सोसाइटी एज अ होल होल्स वुमेन बैक फ्रॉम समथिंग एज सिम्पल एज एक्सप्रेसिंग दर डिजायर्स नो मैटर वॉट काइंड इट मे बी एंड जस्ट द फैक्ट ऑफ एजेंसी पर इसी के चलते बिकॉज दिस नथिंग न्यू दैट्स हैपनिंग यू वुड एक्सपेक्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्ले वो इस फिल्म में ज्यादा हद तक है नहीं द स्क्रीन प्ले इज़ अ लिटिल शैबी कुछ कुछ सीन्स हैं जो बहुत अच्छी तरीके से लिखे हुए हैं जिनका मैसेजिंग इज वेरी नाइस देर ऑल्सो इन मैनी प्लेसेज वेरी वेरी फनी एक सीन है जहाँ पे ऑल फोर ऑफ देम हैव टू काइंड ऑफ डील कॉप्स एंड आई लाफिंग आउट लाउड इट दैट फनी बहुत सारे सीन्स हैं जेन्यनली ह्यूमरस बट एज अ होल द स्क्रीन प्ले इज़ अ लिटिल इनकसिस्टेंट फिल्म की सबसे अच्छी बात है उसका कास्ट ऑल फोर वेमेन अ मार्वलस जॉब I really like the way Fatima Sana Sheikh in general emotes also. मतलब कहते हैं ना क्या अच्छे इंसान की स्मайл इनफेक्शियस है? Every emotion that she portrays is infectious. If she is sad on screen, you will feel sad off camera. I had genuinely enjoyed watching her episode in Modern Love a lot. और वो थोड़ा जो एसेंस है उस कैरेक्टर का there in भी था। द स्टार ऑफ द फिल्म हावएर एंड आई फील लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड रिपीटिंग दिस इज रत्ना पाठक शाह फैब्युलस वर्क हर सीन को वो एलिवेट कर देती है देर आर सीन्स वेर यू द डायलॉग इज इंट द बेस्ट बट जस्ट द वे दैट शी परफॉर्म्स इट मेक्स इट बेटर मेक्स इट मोर इफेक्टिव जस्ट अ वंडरफुल एक्टर थ्रू एंड थ्रू दिया मिर्जा का रोल इज वन ऑफ दोज रोल्स इन द फिल्म सम ऑफ द सॉफ्टेस्ट काइंडेस्ट सीन्स जो फिल्म के बहुत ही टेंडर मोमेंट्स है वी गेट टू सी थ्रू दिया मिर्जा एंड हर आइडेंटिटी

But in the parts that she has, she leaves quite an important impression. In Charo Ko Chhodke, there are a lot of tertiary characters that kind of pop in and out. Kuch kuch log philosophy dene ke hain, kuch kuch log thoda as a privilege check dene ke hai. That seems a little out of place. The good Samaritans and the lurking gazes from creepy men all are there in the film. That makes sense to me. But there are some characters you'll see when you watch the film that just seem आउट ऑफ प्लेस काइंड लाइक दे हैव बिन प्लेस्ड देयर यू नो अलग से अगर फिल्म में इतना टाइम है एंड एट हैज अ लॉन्ग रन टाइम राइट कुछ ऐसे सीन्स हैं विच वेंट ऑन फॉर तो वे टू तो लॉन्ग व टू तो अननेसरी जिनको निकाल के हम ज़्यादा इन चारों पे और इनकी डायनामिक्स पे या जस्ट द वे द फिलोसफीज दैट दे कांड ऑफ लर्न थ्रू दिस जर्नी हाउ इट अफेक्ट्स दैम वो हम ज़्यादा डिस्कवर या थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते थे जिस फिल्म में नहीं होता है देर इज समथिंग अबाउट फिल्म दैट मे नॉट बी जस्ट सिनेमैटिक फील्स बट

it reminds you a lot of like Zindagi Na Milegi Dubara or if, if Dil Chahta Hai was in the setting of Uchai but the film has its heart just set just so firmly in the right place ki even the characters that are written a bit kind of like archetypes and I feel little superficial at times the cast and the sheer fact that the film is just so heartwarming and so well-intentioned and इट जस्ट लीवस यू फीलिंग वेरी वॉर्म इन साइड धक धक आप अगर यूट्यूब पर सर्च करोगे तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली माधुरी दीक्षित का गाना आएगा देर इज नो वे टू टॉपल दट ऑफ द एसार्ड बट आई वुड सजेस्ट यू गो वॉच द ट्रेलर कॉज इट विल भी वेरी इंट्रीगिंगज दिस फिल्म हैज़ अर नॉट गोइंग फॉर इट डिस्पाइट इट्स फ्लॉज एंड प्योरली बिकॉज आई फेल्ट सो नाइस वॉकिंग आउट ऑफ द थिएटर एंड बिकॉज रत्न पाठक शाह एंड द रेस्ट ऑफ द कास्ट शेफ्स किस माई रेटिंग फॉर धक धक इज थ्री पॉइंट फाइव स्टार्ट ऑफ फाइव